आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और यास्मीन, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई कि आप कितनी समझदार हो गई हैं। पहले मछलियां खाना पसंद करती थी, अब मछलियों से दोस्ती करने लग गई। आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम मछलियां नहीं खाते थे। आपकी दादी जान यहाँ होती तो बताती, ये गलत फहमी नहीं, सच है। मछलियां खाने के अलावा आपके कई और शौक भी थे, बता दें। चुपके से हमारे कमरे में दाखिल हो जाना, हमारे जेवरों के साथ खेलना, हमारा दुपट्टा ओढ़ के तैयार हो जाना, वगैरह वगैरह। और बताएं बेटे, तुम मुझे तो पता ही नहीं था नकचड़ी कि तुम्हें जेवर और कपड़ों का इतना शौक था। अब हमें भी नहीं, वो तो बस यही कहते थे कि हम शमशीरों से खेलकर बड़े हुए। शाहनवाज ने आपका दिल रखने के लिए कह दिया होगा। हमारा मतलब आपके अब्बू जान ने? हमने तो सबसे सुना था कि आप अब्बू को नाम से नहीं बुलाती थी। भाई बहन एक दूसरे को कुछ भी कहकर पुकार सकते हैं सुल्ताना। बगदाद में मेहमानों का इस्तकबाल मीठे से किया जाता है, और आप तो बहुत ही खास मेहमान हैं। आज शाही रसोई में थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, पर ये शीर कोरमा खास आपके लिए बना कर लाई। यास्मीन, इनसे नहीं मिलवाएंगे आप? मैं मिलवाता हूँ। ये है मेरी अम्मी रुखसार, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा सच का साथ देती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके हाथ का खाना लाजवाब होता है। शायद रसोई में कोई दिक्कत आए या फिर हमारी जिंदगी में, हम सब सबसे पहले अम्मी के पास ही जाते हैं। आप इनकी बातें मत सुनिए, दोनों बच्चे हैं और बच्चों को अपनी अम्मी इंसान नहीं चांद लगती है। सही लगता है। जब बच्चे कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। देखा, जिनकी हाथों में इतनी मिठास है उनकी सीरत चाशनी से कम क्या होगी। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। शायद हम बेकारी फूफी पर शक कर रहे हैं, ये तो सबसे कितने प्यार से मिल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये वाकई पहले से काफी बदल गई हैं। परवीना फूफी, मैं कह रहा था कि हम दोनों तो देखिए हसीन और जवान। और लोगों का पता नहीं, ये खड़े खड़े थक गए होंगे, इसलिए सबको आराम कर लेना चाहिए। आइए फूफी, हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं और फिर खाने पर मुलाकात होगी। चलिए। खाना क्यों नहीं आ रहा? ये हो क्या रहा है? सब पहले तो कभी नहीं हुआ। मैं क्या करूं जो मेरा जादू वापस आ जाए? मेरे चिराग की तिजोरी हिल क्यों रही है? सबसे पहले मैं चिराग देखता हूं। शुक्र है चिराग महफूज है। पुफी,
आपका कमरा। काले चोर, हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि पुपी इतनी बदल गई है। जिनके मुंह से हमेशा ताने निकलते थे, आज फूल बरस रहे हैं। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? मेरे चिराग को क्या हो गया? कमाले, मेरा चिराग। वल्लाह वल्लाह बीबी, जा गई गरीबी। पहले मेरा जादू क्या, अब चिराग क्या रहा? नहीं, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे कमाले, रुक जा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है? टकटड़ी वक्त बहुत कुछ बदल देता है। आदतें बदल सकती हैं, पसंद ना पसंद बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ तो मानो पूरी की पूरी पुपी बदल गई। टकटड़ी, चलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कुछ आने वाला है? क्या? मेरा सिर ना दुखता है, अब तो चिराग दुख जाए। कमाल है, चिराग हवा में कैसे उड़ रहा है? पुपी ने चिराग को अपने हाथों में क्यों ले लिया? मेरे
चिरट चिरट। फूफी, इनसे मिली। ये है मेरा तीसरा जिन, मेरा भाई जिनू उर्फ चिराग का जिन। ये तुम आपका जिन है? जिनू, ऐसे घूरना बंद करो मेरे भाई, नक्चड़ की फूफी है। मैं नहीं जानता हूं। मतलब मुझे इन्हें देख के ऐसा लग रहा है मैं इनसे पहले मिल चुका हूं। क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूं? हो सकता है हमारे जैसी किसी को आप मिल चुके हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जैसी तो सिर्फ हम हैं। इकलौती है ना अलादीन? नहीं, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। हमने तेरे चिराग को बनाया, तुझे बनाया, तेरी वजह से हमने 500 सालों तक पत्थर की पुत बन के काटी। तो बेशक हमसे मिल चुका है चिराग के जिन। तेरा चिराग तुझसे तेज निकला, हमें तुझसे पहले पहचान गया, तभी तो सीधे हमारे पास चला आया। दिल तो कर रहा है कि अब भी इसी वक्त तेरा गला घोंट दूं। फूफी, आप ठीक तो है ना? फूफी, हमें खुद को पल पल याद दिलाना होगा कि हम यहाँ फिलहाल प्यार से ही इस चिराग के जिन और बाकी सबको इनकी औकात दिखाएंगे। जिनू, तुम्हें पकड़म पकड़ाई खेलनी तो हमारे साथ खेलो, चिराग के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम जानते हो ना इसे संभाल के रखना कितना जरूरी है। भाई तुम जानते हो मुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का शौक नहीं है। दरअसल मेरा जादू काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चिराग को देखने गया, चिराग मुझसे दूर भागने लगा। इसलिए इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है सिवाय दो बातों के, जिनू को भूखना लगना और जिनू का जादू काम ना करना। ठीक है भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक मरतबा फिर से कोशिश करता हूँ, देखना मेरा जादू काम नहीं करेगा। तुम करो, कोशिश करो। चिराग हमारे पास आ गया, अब अगर चिराग के जिन का जादू भी बेअसर हो गया तो किसी को हम पर शक भी हो सकता है। हमें इन दोनों ही बातों को अपने जादू से सुधारना होगा। ठीक है, खिड़की। मेरा जादू काम कर जाए, ये खिड़की खुल जाए।
मेरा जादू काम कर गया? ये कैसे? रुको, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, तुम्हारी टोपी वापस लाता हूँ। कैसे? टोपी वापस आ गई? कमाल है, समझ में नहीं आ रहा, रोऊं या हंसूं? जादू तो काम कर रहा है शेख जिनू, होना ही था, हम जो आ गए। खुशामदीद, आदाब सुल्तानात। ये अजीबोगरीब लोग कौन है? बुबी, ये बगदाद के वजीर गुलबदन के अम्मी अबू हैं और मेरे चाचा चाची। कसम सोने की अशरफियों की, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना, नजर कबूल कीजिए। माशाल्लाह, इतना सुना था आपके बारे में, पर जितना सुना था कम सुना था। आप तो कमाल है, कमाल। ओ झूठ की बोरी, मेरी आधी रोटी की फरियाद तुमने आज तक नहीं सुनी, उनके बारे में कहां से सुन लिया? यहाँ वहाँ बाजार में हम मिलना मिलाना होता रहेगा। पुप्पी, अब थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम कीजिए कीजिए, हम यही हैं।